वीडियो बनेगा। ये आप लोग देख रहे हैं कि थाना थान गांव सीतापुर के थाना थान गांव क्षेत्र का मामला है। एक रहस्यमय ढंग से यहां पे मैं आप लोगों को एक जानकारी दूंगा, जो आदि शक्ति के रूप में आज भी महापुराणों में जो है कुछ पेड़ों में देववास कहा जाता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ लगा हुआ था सुकैठा गांव में, जहाँ आप लोग जानते हैं कि वो आंधी में जो है पिछले गत दिनों वो गिर गया था। उसके बावजूद वो काफ़ी ऊंचाई में ज़मीन छूता हुआ पड़ा था, और उसके बाद में आज वो रात में दीपावली की रात में पर्व में जो है वो पीपल जो है जब जो जहाँ एक तरफ ज़मीन से सटा हुआ पड़ा था आंधी में गिर गया था, वो आज बिल्कुल एकदम से अपने स्थान पर सीधा हो गया है, जिसको रहस्यमय ढंग से यहाँ पे गांव वालों ने सुबह देखा। और देखने के बाद वहाँ पे बहुत बड़ा विशाल तांता लगा हुआ है। आप लोग देखेंगे, आप लोगों को माध्यम यूट्यूब के माध्यम से अपने चैनल के माध्यम से मैं जानकारी दूंगा। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितना बड़ा तांता लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है और लोगों की आस्था का केंद्र बन गया है। यहाँ पे भक्तजनों की काफ़ी भीड़ लगी है और यहाँ पर बहुत बड़ा इंतजाम भक्ति का और उसके नींव भरने का और मंदिर बनने का यहाँ पर इंतजाम लोग कर रहे हैं, प्रधान वगैरह जो है। और कई गाँव की यहाँ पर जनता आपको देखने को मिलेगी, पास पड़ोस में लोगों की काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे तांता लगा हुआ है। और आपको बता दें, सीतापुर के गांजरी क्षेत्र का जो है सुकैठा गांव है, थाना थान गांव में पड़ता है। यहाँ पे एक पुराना जो है पेड़ था जो देव वृक्ष कहा जाता है, वहाँ पे देव वृक्ष कहा जाता है। और उसके बाद वो आंधी में गत दिनों गिर गया था, उसके बाद जो यहाँ पर बताया जा रहा है और लोग यहाँ पर उसका पड़ा जो गिर गया था उसका यहाँ मालूम भी हो रहा है, आप लोग देखेंगे। और उसके बाद आज दीपावली की रात में गत रात में जो है ये अपने आप सीधा हो गया है, बिल्कुल सीधा हो गया है, जबकि ये कटा हुआ भी था जो है आप लोग देख रहे हैं। और अभी आपको ये तांता काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, और अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा और यहाँ पे जानकारी भी लूँगा इसके रहस्यमय ढंग से क्या हुआ है और कैसे मतलब जो है ये सीधा हुआ है। आप लोगों को मैं अभी जानकारी दूँगा। यहाँ पर ये भीड़ आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी, और ये हमारे सीतापुर के रेवसा विकास खंड के गांजरी इलाके का मामला है, जहां पे बहुत बड़ा विशाल तांता लगा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं ये विशाल जो है यहां पे जनसंख्या आने जाने वालों का इतना विशाल तांता लगा है, जो जहां से सुनता है वो दौड़ता भागा चला आ रहा है। और यहां पे दूर दूर के लोग इकट्ठा हैं, आप लोग देखेंगे। और ये जो पीपल सीधा दिख रहा है, यही पीपल का पेड़ जो है गत दिनों आंधी में गिर गया था, जो कि ज़मीन से लेटा हुआ पड़ा था। उसके बाद आज बीती रात ये अपने आप सीधा हो गया है, जो आप देख रहे हैं सीधा नज़ारा। और इसको मैं नज़दीक से भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ की पब्लिक जो है आप लोग देख रहे हैं कितना आतुर है, और यहाँ पास पड़ोस की जनता जो है बहुत भयंकर भीड़ लगी है, तांता लगा हुआ है और कतारबद्ध से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर पूजन अर्चन भी कर रहे हैं, अगरबत्तियाँ भी लगा रहे हैं, और यहाँ पर जो है भागवत और कथा का भी इंतजाम हो रहा है। और सुनने को यहाँ तक मिला है कि त्यागी महाराज जी भी आ रहे हैं। और मैं आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा हुजूम यहाँ पे है, और यहाँ पे कुछ लोग बुज़ुर्ग लोग हैं जिनसे मैं जानकारी भी लूँगा। पहले आप लोगों को ये बता दूँ कि यहाँ पे ये जो है गांजरी सीतापुर के हमारे गांजरी क्षेत्र का मामला है, थाना थान गांव क्षेत्र का, जहाँ पे रहस्यमय ढंग से आज एक पीपल का वृक्ष जो ज़मीन से लेट पड़ा हुआ था आंधी में गिरने के बाद, वो आज अपने आप जो है खड़ा हो गया है। उसकी ऊंचाई और उसको भी देखेंगे आप कितनी वैसे और कैसे ढंग से हुआ है। और ये माना जा सकता है आज युग में कि जो है कई वृक्ष आज जो है देव वृक्ष कहे जाते हैं, और ये पीपल का वृक्ष है जो है जो देव वृक्ष कहलाता है और पूजा परछा जाता है, लोगों की आस्था का केंद्र है। और आप दो लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी विशाल जनता और उमड़ी हुई है, और यहाँ पे मैं लोगों से बात भी करूँगा। और आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है, आप देख रहे हैं ये नज़ारा जो है ये सुकैठा गांव का है, कोई परवाह तो नहीं, नहीं सुकैठा, ये सुकैठा गांव का है, ग्राम सुकैठा का मामला है, जहां पे रहस्यमय ढंग से आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है यहां पे भीड़ इकट्ठा है। अगर जैसे कुछ लोग जो है वो होते हैं उसको मानते हैं कि नहीं ये जो है वो होगा, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है बनावटी रूप, क्योंकि यहाँ पर माताएँ और बहनें और बुज़ुर्ग और बच्चों
का इतना बड़ा ताता लगा हुआ है और जो जहाँ सुनता है वहाँ से दौड़ा चला आता है, क्योंकि रहस्यमय ढंग से ये चीज़ दिखाई दी है कलयुग में, और ये इसको ईश्वर के रूप में लोग मानते हैं और आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पे जानकारी भी लूँगा लोगों से। बताएं बाबा जी, आपका क्या नाम है? रामपाल। ये रामपाल जी हैं, आप कहाँ रहते हैं? सुकैठा। ये सुकैठा के रहने वाले हैं। पिताजी का क्या नाम है? गोकरण। गोकरण। ये किस गांव में, किस थाने के अंतर्गत पड़ता है? थान गांव। थाना थान गांव क्षेत्र के अंतर्गत ये सुकैठा गांव पड़ता है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो जितनी ये भीड़ लगी है, हाँ, ये आज भीड़ कैसे लगी और क्यों लगी है? तो भीड़ का जो बिरवा जो गिरा पड़ा रहा है। कब गिरा था? 3 महीना हो गए, फौरन गिरा रहा है बरसात। अच्छा, 3 माह हो गए इस पीपल के पेड़ को गिरे हुए। हाँ। उसके बाद इसको ये कटा क्यों है? कटा गिर गवा रहा है। गिर गवा तो मतलब कटाए कहाँ पैसा, वो धर्म काम लग गया। पैसा मतलब वो कटाए पिटाए के यहाँ नहीं बोलना है, ये कट करके उसके बाद जो है काट दिया गया था। हाँ। फिर इसका इसी में लग गया था? नहीं, इसी में नहीं लगा है। इसका पैसा जो है दूसरे धर्म काम में, धर्म में क्या लगा है? दूसरे मंदिर निर्माण में लगाया जा रहा है, दूसरे काम में मंदिर में लगाया गया था। उसके बाद ये जमीन से सटा हुआ पड़ा था, जितनी दूर ये पीपल दिख रहा है, जो पीछे जड़े हैं, इतनी ऊंची उसकी जड़े थी, अचानक आज सुबह ये अपने आप जो है अपनी जगह स्थापित हो गया। ये जो है अपने आप सीधा हुआ। हाँ, अपने आप सीधा हुआ हम सब और यूं ना देखा है, को सीध किया है को का बाबा। आपकी उम्र क्या होगी? कत्ती देर हम सीध बाबा। आपकी उम्र क्या होगी? उम्र वही 60 साल। आपकी 60 साल उम्र है। अच्छा, तो इसको सुबह सबसे पहले किसने देखा, कैसे क्या हुआ? हमें सब देखा और कोई नहीं देखा। क्या देखा? मतलब ये लैट्रिन लेटा पड़ा रहा, मतलब जमीन पड़ा रहा है और टिकाया आया रहा है, तो तब सुबह आप यहाँ इसी जगह घर है। ये अपने आप जो है सीधा हुआ है। अपने आप ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना। कितने वर्ष पुराना पेड़ हो गया है? अब यू हम कम से कम 500 मान 500 नहीं, लेकिन लेकिन यू है कि ये आप लोगों ने जानकारी सुनी यहाँ के जो बुजुर्ग लोग, रामपाल जी इस गांव के थे, बुजुर्ग हैं, 60 वर्ष की उम्र है, उन्होंने जानकारी दी। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये इतना विशाल जत्था जो है यहाँ पे इकट्ठा है, माताओं और बहनों का जो यहाँ पे अपने बुजुर्गों का, आप लोग देख रहे हैं कि ये, और ये हुजूम है यहाँ का। यहाँ पे भक्तजनों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ये आप लोग देख रहे हैं कि जो ये पेड़ सीधा हुआ है पीपल का, उसका निशान ये बना हुआ है, और इतना अजीम पेड़ है कि इसको आदमी सीधा नहीं कर सकता है। उसके बावजूद भी यहाँ पे रहस्यमय ढंग से जो है ये आप लोग देख रहे हैं कि ये अपने आप सीधा हुआ है। ये जो सीधा हुआ है और गिरा पड़ा हुआ था, ये मैं आपको जो है स्थान दिखा रहा हूँ, पेड़ की पीपल के पेड़ की जड़ों से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये पेड़, इसको सीधा तो हो ही नहीं आदमी लग करके कर सकते, लेकिन इसके आप इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो है अपने आप रहस्यमय ढंग से जो है सीधा हुआ है। ये बहुत बड़ा विशाल पेड़ है जो कि आंधी के गत दिनों आंधी में ये गिर गया था, और उसके बाद में ये रहस्यमय तरीके से जो है अपने आप सीधा हुआ है। ये देव वृक्ष कहलाता है, और यहाँ की ये पब्लिक जो है, आप इसको देखने के लिए भीड़ उमड़ी है। यहाँ पे तांता लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना अजीम पेड़ है, विशाल काय पेड़ है, विशाल होते हुए उसके बावजूद भी ये जो है ये आंधी में जो है गत दिनों करीब 3-4 माह पूर्व ये गिर गया था यहाँ पे, और उसके बाद में जो है आज ये रहस्यमय ढंग से अपने आप सीधा हुआ है। इसकी पेड़ जड़ें जो है यहाँ पे दूर दूर तक फैली हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये पेड़ है यहाँ पे ये जनता है, इसको देखने के लिए रहस्यमय ढंग से जो ये सीधा हुआ है, आंधी में पड़ा हुआ था, उसके बाद जो है ग्राम प्रधान ने मंदिर बनवाया।
और यहाँ पे ग्राम सभा के जो प्रधान है, नवांगत प्रधान नव युवक हैं अभी जो है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं उनके सर्वसम्मत से, गांव वालों के सहमत से यहाँ पे मंदिर की व्यवस्था स्थापना करने की बात चल रही है। और यहाँ झंडा वगैरह सब कुछ आ गया है और जो है यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है मंदिर निर्माण की। एक नए सिरे से त्यागी महाराज को भी सूचना दी, आ रहे हैं, ये जो प्रधान जी हैं इनके द्वारा, इस ये चिंटू प्रधान है उर्फ संदीप पांडे जी, ये हमारे रेवसा ब्लॉक के नए जो है नवांगत नव युवक जो है प्रधान चुने गए हैं। और इनका ये कहना है कि ये त्यागी महाराज को, जो हमारे गाजरी इलाके के संत शिरोमणि त्यागी महाराज जी हैं, उनको सूचना दे दी गई है, वो आ रहे हैं, उन्हीं के कर कमलों द्वारा यहाँ मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और ये भीड़ है यहाँ की, आज तक ही महाराज आए जाए उसके बाद जो कल से निर्माण चालू। फिलहाल इस समय फर्स्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या होगा इसका, प्रथम झंडा गड़ गया, महाराज आ जाए इसके बाद मिट्टी उट्टी पताई होगी, न्यू डाली जाएगी, ये स्थान मतलब चौक जो पेपर अपने कब्जे में मतलब न्यू केंद्र के लिए जाएगा, इसको देव स्थान घोषित करने का प्रावधान चल रहा है। और यहाँ पे भव्य कार्यक्रम धार्मिक करने का जो है विचार चल रहा है और प्रारंभ भी हो गया है। यहाँ पे अगरबत्तियाँ वगैरह जो है लोग लगाए हुए हैं और लोगों को पूजा अर्चन भी कर रहे हैं, आस्था का केंद्र बन गया है। और यहाँ पे जिस हिसाब से भीड़ देखने को मिल रही है, इस हिसाब से तो लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है एक स्थान बनेगा। इस आप देख रहे हैं कि ये पेड़ है और ये अगरबत्तियाँ यहाँ पे जल रही हैं, लोगों को आस्था का केंद्र बन गया है यहाँ पे। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रेम वाजपेयी लिख करके जो है सभी से हमारा अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को और वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब